चिराग जी नवादा जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ जा रहे हैं, प्रधानमंत्री आ रहे हैं चिराग जी। नहीं बिल्कुल, और मोदी की गारंटी पे ना सिर्फ बिहार को बल्कि पूरे देश को और अब तो दुनिया को भी इस गारंटी पर विश्वास होने लगा है। ऐसे में जहां एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री जी की गारंटी है, वहीं हमारे गठबंधन की मजबूती है जो इस बात के विश्वास को दिलाती है कि आने वाले दिनों में बिहार की 40 सीटें हम लोग जीतेंगे। आज नवादा की सीट पर मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ ही मेरे भाई जो कि अभी भी मौजूदा सांसद हैं राज्यसभा से, पर अब बहुत जल्द अब वो हमारे सदन में अब आएंगे, लोकसभा में वो आएंगे, उनके प्रचार में हम जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी होंगे, मेरे मुख्यमंत्री भी वहाँ पहुँच रहे हैं, और मैं मानता हूँ कि एक बड़ी जीत के साथ हम लोग नवादा की और बिहार की 40 सीटें। लालू जी के ऊपर वारंट निकला है, लालू जी के ऊपर वारंट निकला है, कैसे देख रहे हैं आप? भाई ये हमेशा मैंने कहा है कि ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, जब जांच होती है, जब आपके खिलाफ कुछ पाया जाता है, अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो डरने की ज़रूरत नहीं, पर अगर ऐसी कार्रवाई तभी होती है और उन्हीं के साथ होती है जहाँ पे कुछ गलत पाया जाता है। तेजस्वी यादव ने कई बार आपने ये जिक्र किया है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, तेजस्वी यादव ने फिर से कल जिक्र किया जम्मू में कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, विशेष पैकेज मिलना चाहिए, 10 वर्षों में प्रधानमंत्री ने अभी तक नहीं दिया। भाई मैं मानता हूँ आज की तारीख में जब आप विशेष राज्य के दर्जे की आप बात करते हैं, नीति आयोग की तरफ से कई तरीके के ऐसे प्रावधान हैं जिनमें संशोधन किए जा चुके हैं, उन प्रावधानों के तहत अगर बिहार आएगा तो ज़रूर मिलेगा, पर आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार में डबल इंजन की सरकार है, आप बगल का राज्य देख लीजिए उत्तर प्रदेश, किस तीव्र गति से विकास की राह पर वो राज्य बढ़ता जा रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर केंद्र की सोच वाली सरकार ही बिहार उत्तर प्रदेश में भी है। ऐसे में मैं मानता हूँ कि जब एक लंबे समय के बाद बिहार को ये सौभाग्य मिला है जहाँ पर डबल इंजन की सरकार है, मैं मानता हूँ आने वाले दिनों में जो विकास अपेक्षित रहा है, जिसकी उम्मीद हम सब बिहारियों को रही है, वो धरातल पर उतरता हुआ दिखेगा।